तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने बेस्ट एनसीईआरटी ऑपरेशन थिएटर सेंटर अमन केमिस्ट्री पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स की, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का टॉपिक यहाँ पर स्टार्टिंग है हमारा डिटरमिनेंट्स। आई होप आप लोग बहुत सारे बच्चे थ्योरीज के पढ़ के आए होंगे। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत जो करेंगे यहाँ पर, वो एक बेसिक टिप से करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं थ्योरी, केवल डाउट्स क्लियर करने आए हैं, वो थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि हमारा जो ये डिटरमिनेंट चैप्टर है, उसका जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक आपको फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। जैसे डिटरमिनेंट में आप जानते हो कि हमारे सिलेबस में 2x2 का और 3x3 का डिटरमिनेंट हमारे सिलेबस में है। तो सॉल्विंग का तरीका बस यही है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ रहता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसे हम लोग मुखिया जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुखिया जी। ठीक है, तो मुखिया जी को यहां पर सबसे पहले क्रॉस, यहां क्रॉस डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए, ए के डायगोनल में डी है, तो ए इंटू डी करना है। माइनस, ये फॉर्मूला में आप लोग माइनस रखिएगा, सी के डायगोनल में बी है, तो सी गुना बी कर देंगे, तो यहां से हमारा 2x2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही 3x3 की बात करेंगे, तो जैसे कि हम लोग किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम लोग पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला रो लिया है, तो आप लोग यहाँ साइन को याद रखिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, वहां साइन जो है हमारा वो प्लस है, सेकेंड एलिमेंट का साइन यहाँ पर अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस, इस तरह से ये अल्टरनेट साइन, यहाँ जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस। ये साइन के साथ आप लोग को डिटरमिनेंट को खोलना है। तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग ए को लिए, ए वन को यहाँ पर लिए है, हम लोग इस रो से खोल रहे हैं पूरे डिटरमिनेंट को। तो ए वन को लेंगे, तो ए वन जिस घर में बैठा होगा उसके रो और कॉलम को पूरा हम गायब कर देंगे, तो क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास एक 2x2 का डिटरमिनेंट रह गया, वो है b2c2 b3c3। उसका डिटरमिनेंट से हम लोग ए वन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस साइन ले लिए, बी वन यहाँ पर लिए है, तो बी वन इस कॉलम में और इस रो में है, तो ढक दिए इसको, जो हमारा बचा वो बचा a2c2 a3c3, ये एक हमारा डिटरमिनेंट बन गया। फिर प्लस लिए सी वन, तो यहां पर सी वन को अगर हम ढकेंगे पूरे रो कॉलम को, तो यहाँ a2 b2 a3 b3, हमारा डिटरमिनेंट 2x2 कर आ जाएगा। फिर 2x2 डिटरमिनेंट को इस तरीके से सॉल्व करके पूरे डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर एक और चीज है, अगर हमारा ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें फाइंड करना हो दो चीज, डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू ए, जहां पी कोई कांस्टेंट है, जहां पी कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो यहां अगर हमको पी ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो वहां मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम लोग पी से मल्टीप्लाई करके तब डिटरमिनेंट उसका निकालेंगे। और वही पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बोले, तो हमें ए का डिटरमिनेंट निकाल करके इसी मेथड से तब जो रिजल्ट आएगा उसमें यहां पर पी से मल्टीप्लाई करना है। तो इतने थ्योरी पर आपका ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 4.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो जब भी डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा तो मान लेंगे हमारा ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। तो इसका जब इवेल्युएट करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 है, तो 2 को क्रॉस कराएंगे किससे, माइनस 1 से, ठीक है। फिर माइनस सिंबल आप लोग देखे थे, माइनस 5 क्रॉस कितना हो जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 18 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की बात करते हैं, तो कॉस इंटू कॉस यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए इसको डिटरमिनेंट ए माने, तो ए का इवेल्युएट जब करेंगे वैल्यू, तो वो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब माइनस तो फॉर्मूला वाला पहले से रहेगा, ये हो गया माइनस, ये साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये देखिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना रिजल्ट आता है, 1 आता है। ये तो जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 2 नंबर है, वो है यहाँ पर मान लीजिए ए मान लेते हैं इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स प्लस 1 से, माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू क्या चीज, x माइनस 1, ठीक। अब देखना यहां पर ये है,
ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या रहा है, इसको क्यों मल्टीप्लाई करने जाएं, इधर भी माइनस की इधर भी एक्स प्लस वन है, माइनस की उधर भी एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन कॉमन ले लिए, अब एक ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन उस साइड रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस में इस साइड क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वन। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस दोनों में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, है ना, प्लस टू यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, तो आप चाहेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो चाहेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व अगर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब इसको वन से करिए मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है ना, ये प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस टू एक्स से माइनस टू एक्स मर गया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं माइनस दो गो आम प्लस ए गो आम, तो माइनस ए गो आम रह जाएगा, अब प्लस कितना आएगा यहाँ पर, टू रह गया, यही हमारा हो गया यहाँ का आंसर। तो क्या ये सब कोई दिक्कत है सवाल बनाने में, कमेंट भी जरूर करते रहना है, और देखिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आगे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स यहां दिया हुआ है 1 2 4 2 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट हम बनाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, याद कर लीजिए अभी जो हम बताए थे थ्योरी उसका लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट याद करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into A ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के 4 टाइम्स का, यानी कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, ये हो गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनके बराबर है, आप उसको प्रूफ करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है 2A का डिटर्मिनेंट ये इक्वल है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग LHS में जाएंगे, हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2A रखेंगे। जब भी कोई मैट्रिक्स में, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2A क्या है, सबसे पहले हम लोग 2A देखें यहाँ पर, 2A क्या होगा, तो 2 इंटू मैट्रिक्स हमारा है 1 2 4 2। मैट्रिक्स में जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 2 4 8 4। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, हमें निकालना क्या है LHS में, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालना है, वो 2A हो गया हमारा क्या चीज, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा हो गया 2 4 8 4, तो बताइए यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -24। ये हमारा पहला आया, इसको हम लोग दिमाग में रख लिए कि 2A ये आ गया इक्वेशन वन। ठीक है, अब देखिए हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और RHS में 4 इंटू ए लेके चलना है, यानी कि RHS जो हम लोग लेके चलेंगे वो क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए को ही डिटर्मिनेंट बनाए तो ये हो जाएगा 1 2 4 2, है ना, तो यहाँ पर ये 4 इंटू हो जाएगा, देखिए इसको खोलते हैं, तो 1 इंटू क्या करना है 2 माइनस 4 इंटू क्या करना है 2 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 माइनस 8, है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 6, कितना हो जाएगा -24। तो हमने लेके चला था यहाँ पर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसका रिजल्ट कितना आ गया -24, तो 4 डिटर्मिनेंट ए का भी रिजल्ट -24 है, डिटर्मिनेंट 2A का रिजल्ट भी -24 है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना, 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, तो ये रिजल्ट भी हमारा आ गया।
तो थ्योरी अगर आप लोग अच्छे से कवर करिएगा तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में 3x3 का एक डिटरमिनेंट दिया गया है, जिसमें कि हम लोग को सेम पिछले सवाल तरह डिटरमिनेंट ऑफ 3a को प्रूव करना है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा यहां पर। सबसे पहली बात है, 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हम बताए थे किसी भी रो या कॉलम से लिएगा। तो याद रखिएगा, जिस रो या जिस कॉलम में 2 00 आ जाए वहां से चलना आसान है, क्योंकि आप लोग जो फॉर्मूला में प्रीवियस में देखे थे तो हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम जा सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा काम करें जहां पर हमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, ताकि जो है ना आंसर बिना सॉल्व किए 0 हो जाए, मतलब कि आंसर जो है कुछ कुछ टर्म हट जाए कट करके, क्योंकि रिजल्ट तो हर जगह सेम ही आना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है, टू प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को प्रूफ करना है 3 into a को किसके बराबर, 27 into a, है ना। तो हम लोग यहाँ पर LHS से जाएंगे पहले, और सबसे पहले हम लोग 3 into a करेंगे। तो क्या सिखाए थे, हर एलिमेंट में यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट होगा 3 into 0 into 3, 0 into 3 into, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 0 0 4 3 12, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस पोजिशन है ना। तो हम लोग अगर इस कॉलम से ही खोलें, इसी कॉलम से खोलते हैं, तो ये खत्म, इसको तुम किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इसको तुम किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। इसको हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into, देखिएगा यहाँ पर 3 को जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो 2 ऑर्डर का आएगा वो आएगा 3 6 0 12 आएगा ना। अब देखिए 3 into, ये हो जाएगा 12 3 36, अब माइनस ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 36 into 3, ये हो जाएगा 108। ठीक है, ये किसका रिजल्ट आया, 3a का डिटरमिनेंट का रिजल्ट आया, 3a का डिटरमिनेंट का ये रिजल्ट आया। ठीक है ना, तो यहां पर देखिएगा ये रिजल्ट आया, LHS लेके चले थे। अच्छा, RHS में अगर हम लोग गए तो RHS में हमारे पास क्या है, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a है, तो यहां पर हो जाएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a लेंगे तो ये डायरेक्ट है 101 012 004, है ना। अब देखिए 27 इंटू, ध्यान समझिएगा यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 27 को यहां पर लेंगे, ठीक है ना, ये तो है ही अलग। अब इसमें भी इधर से ही चलेंगे, तो इसी से चलने से फायदा है कि यहां पर चाहेंगे आप यहां से भी चल सकते हैं, तो यहां से चलेंगे क्या दिक्कत है। अगर 1 को पकड़ते हैं हम लोग तो 1 के बाद 2x2 बनता है 1 2 0 4, यानी कि ये बचता है, 1 गायब हो गया, ये बचा बस। तो 27 इंटू, देखिए यहां पर 1 इंटू, ये रह गया 4 माइनस 0, तो ये हो गया 27 इंटू, टोटल रह गया 4, ये हो जाएगा 108। तो देखिए यहाँ पर LHS भी हमारा 108 है, RHS भी हमारा 108 आया, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों यहाँ पर एक जैसा प्रूफ हो गया है, LHS बराबर RHS, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है।